द्वारा समझेंगे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और दूसरा क्या होता है, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम समझेंगे इस क्रियाकलाप में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं, ये है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कांच का ग्लास लेंगे और उसके लिए दो क्या करेंगे, दो रिफिल लेंगे। दो क्या लेंगे, रिफिल लेंगे। इस रिफिल को क्या करेंगे, हम क्लोथिन के द्वारा आवेशित करेंगे और इस आवेशित रिफिल को हम ग्लास में डाल देंगे बिना स्पर्श किए, बिना किसी सुचालक पदार्थ के स्पर्श द्वारा ही, ठीक है ना। अब दूसरा रिफिल को क्या करेंगे, आवेशित करने के बाद इसके पास लेकर जाएंगे तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब है दोनों दूर भागेगा, ठीक है ना। चलिए क्रियाकलाप द्वारा करते हैं। ये हो गया रिफिल, आवेशित कर देते हैं। देखते हैं क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है यहाँ पे। यस सर, कर रहा है ना। यस सर, इसके द्वारा हम लोग क्या समझे हैं, यहाँ पे हम समझ लेंगे बढ़िया से। जो पहला लिंग था, जो पहला रिफिल था, रिफिल हम कितना लिए थे, दो लिए थे, पहला रिफिल हो गया। दूसरा क्या किए हैं, पहले रिफिल को हम क्लोथिन से रगड़े हैं, ठीक है ना। तो जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, या तो पहला वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर, यानी कि क्लोथिन से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जा रहा होगा, रिफिल में, या फिर रिफिल से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जा रहा होगा, क्लोथिन में। दोनों में से कोई एक क्रिया होती है। तो जिस रिफिल से, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें धन आवेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो हमने जब पहले रिफिल को पॉलीथिन से रगड़ा तो उसमें क्या हुआ, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन गया होगा या फिर इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो पहला रिफिल को जब हम क्या किए हैं, रगड़े हैं, तो उसमें हो सकता है इलेक्ट्रॉन गया होगा, यानी इस पे हो गया धन चार्ज, इस पे क्या हो गया, धन आवेश हो गया, यानी धन चार्ज हो गया, ठीक है ना। वैसे ही दूसरा रिफिल को क्या किए हम, पॉलीथिन से रगड़े हैं, उसमें भी क्या हो गया, धन आवेश हो गया, उसमें भी क्या हो गया, धन आवेश हो गया। पहला रिफिल को हम क्या किए थे, एक ग्लास में डाल दिए थे, क्या किए थे पहला रिफिल को, ग्लास में डाल दिए थे या फिर रख दिए थे, ठीक है। इसको हाथ से स्पर्श नहीं करना है, अगर हम हाथ से स्पर्श करते हैं तो इस रिफिल का आवेश क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर आ जाएगा और ये क्रियाकलाप नहीं होगा, ठीक है ना। तो बिना स्पर्श किए इसे क्या करना है, ग्लास में रख देना है। जब हम ग्लास में रख दिए और दूसरे धन आवेशित रिफिल को हम इस रिफिल के पास ले जाएंगे तो क्या देखेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी कि पास ले जाने से क्या होगा, मान लेते हैं दोनों रिफिल है, इसको यहाँ पे रख देंगे, ऐसे जब पास में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये इधर जाएगा। जैसे इसके पहले वाला क्रियाकलाप से हम क्या किए हैं, समझ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए हो गया, हमने समझा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।